यार ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर कल ग्लोबली रिलीज होने वाली है, बट कुछ जगहों पर ये आज ही रिलीज हो गई है। गेस व्हाट, स्पॉइलर्स। तो इसी के साथ इसका रोटेन टमाटोज की रेटिंग भी आ चुकी है, जो कि स्टार्टिंग बहुत तगड़ी हुई थी और अब ये 88 पर टिकी हुई है। खैर शी-हल्क देखने के बाद तो मेरा रोटेन टमाटोज से बिल्कुल भरोसा ही उड़ गया है। तो खैर मूवी के रिलीज के बाद पूरे इंटरनेट में इसके स्पॉइलर्स भरे पड़े। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ तो यार इसके अंदर मिड क्रेडिट सीन तो था ही नहीं, डायरेक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसके अंदर हमें फाइनली न्यू ब्लैक पैंथर देखने को मिला, जो कि और कहीं नहीं टिचाला का बेटा होने वाला है। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो कॉमिक्स में टिचाला का बेटा भी ब्लैक पैंथर बन चुका है और यंग अवेंजर्स को भी ज्वाइन कर चुका है। तो यार मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूंगा इस मूवी को ब्लैक पैंथर की नहीं बल्कि वकांडा की मूवी देखने के लिए जाओ। और ये टिचाला के बेटे वाला एक तरीके का रिबूट ही हो जाएगा, क्योंकि जब तक बड़ा होगा ना, जब तक एमसीयू की टाइमलाइन काफी आगे निकल जाएगी। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर। तो यार आखिर नेमोर सबमरीनर कितना ज्यादा ताकतवर है? तो यार इसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हीलिंग, वो सारे सुपर पावर्स हैं जो कि एक हीरो में होनी चाहिए। बट उसके अलावा ये पानी के सारे जानवरों से बात कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने पांव में लगे छोटे छोटे पंख से बहुत ही कूल वे में उड़ भी सकता है। और यार ये सब चीजें कम थी कि इसके डायरेक्टर रियान कुगलर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि एमसीयू का नेमोर हल्क और थॉर जितना ताकतवर है। शूरी क्या ही बिगाड़ लेगी इसका? यार आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है।